लखनऊ से अगली खबर, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले सपा नेता। कल उपचुनाव के मतदान को लेकर मुलाकात की है। मुख्य निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव की अपील की गई है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे, प्रशासन मतदान को प्रभावित करना चाहता है, ये बात राजेंद्र चौधरी ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है और कहा है पुलिस तांडव कर रही है, भाजपा सत्ता के इस्तेमाल से वोटरों को डराना चाहती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी मिले हैं। इसके साथ साथ कई बड़े आरोप पुलिस पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी ने आज फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश से शिकायत की है और मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में धांधली की आशंका जताई है। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, सर क्या शिकायत की है आज? हमने कहा है निर्वाचन आयोग से कि वो संवैधानिक संस्था है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निर्भीकता के साथ मतदान होना चाहिए, किसी तरह की लोगों के ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध ना हो जिससे उनकी स्वतंत्रता भंग हो। लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है, इसलिए निर्वाचन आयोग को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को बड़े पैमाने पर धरपकड़ करने का काम चल रहा है मैनपुरी में, और उनका जो अधिकार है उसको वंचित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सत्ता का खुला दुरुपयोग है और प्रशासन और पुलिस समाजवादी पार्टी के विरुद्ध तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रही है, उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगा रही है, उनके मतदान करने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो रही है। इसलिए निर्वाचन आयोग की महास्वतंत्र चुनाव कराने की व्यवस्था करें। आपने कल भी एक शिकायत की थी और ये कहा था कि वहाँ के जो SP हैं, CO हैं और इंस्पेक्टर हैं थाने के, उनको हटाया जाना। रामपुर के, हाँ कहाँ हटाया? निर्वाचन आयोग ने नहीं हटाया। रामपुर में भी यही हालत है, वहाँ पर पुलिस जो है मतदान से वंचित करेगी। यही काम उन्होंने 2000 ये अभी उपचुनाव हुआ लोकसभा का उसमें भी यही किया, 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह की लगातार उनकी कोशिश रहती है। ये प्रैक्टिस लोकतंत्र के लिए खतरा है। शिवपाल जी ने भी आज कहा है कि उनके घरों की, परिवार के लोगों की ड्रोन से निगरानी कराई जा रही है। हाँ तो बिल्कुल, और तो हम लगातार ये इंगित कर रहे हैं। यानी प्रशासन की हिम्मत तो देखिए आप कि वो लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगी है, और जिस तरह का उसका व्यवहार है भाजपा का, शासन का दुरुपयोग करने का, वो लोकतंत्र विरोधी है। तो सर क्या आज आश्वासन दिया है मुख्य निर्वाचन? कि हम व्यवस्था करने जा रहे हैं और सख्ती बरतेंगे। तो राजेंद्र चौधरी जी हैं, प्रतिनिधि मंडल के साथ आज गए थे, मुलाकात की है मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश से और ज्ञापन भी सौंपा है, शिकायत भी की है, कहा है कि चुनाव में धांधली की जा रही है, इस पर रोक लगाएं, कार्रवाई करने की मांग भी की है। कैमरा शिवराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABC गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।